वही अगली खबर टोंक जिले से है, जहां के मालपुरा में कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने 310 करोड़ की सूरजपुरा सांबर मुख्य ट्रांसमिशन परियोजना का शिलान्यास किया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष अजित सिंह मेहता की मौजूदगी में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट को जिताने की अपील की। इसके तहत ही मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने मंच से कहा कि 2014 के बाद मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है और इसी की बदौलत हमारा देश विश्व में 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। टोक से संवाददाता कजोट गुर्जर की रिपोर्ट। विभाग का मुखिया और सरकार जब ईमानदार होती है तो उसके साथ साथ सारा सिस्टम चलता है। पूरे सिस्टम ने ईमानदारी से काम करने की प्रण ली और सबने विश्वास दिलाया मेरे को कि आने वाले साल दो साल के अंदर ईमानदारी से राजस्थान को हम टारगेट पूरा करेंगे और भारत के अंदर, और इसका रिजल्ट भी आ गया। आज रिजल्ट ही आ गया कि जहाँ हमारे ये दो महीने के अंदर 5 लाख कनेक्शन कर दिए इन 2 महीने के अंदर, और तो सोचो किस तेजी के साथ हम बढ़ रहे हैं। कई दिक्कतें आ रही है, दिक्कतों को दूर करेंगे। और जो टारगेट है राजस्थान में लगभग 92 लाख कनेक्शन हर घर में करने थे, उसको बढ़ के कुछ संख्या बढ़ गई, लगभग 1 लाख के आसपास कनेक्शन हुए, उसको आने वाले हम टारगेट में 1 साल से 2 साल के अंदर पूरा करके देंगे। लोकसभा चुनाव टोडा मालपुरा के विधायक, राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री, भूजल मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल चौधरी जी ने जो वादा जनता से करा था, उस जन वादे को 100 दिन के अंदर ही आज 310 करोड़ की इस परियोजना का शिलान्यास कर तो पेयजल के लेकर बहुत बड़ी दिक्कत थी। 549 गांवों के अंदर पेयजल नहीं पहुंच पा रहा था, लाखों परिवारों को पानी पीने का पानी मिलेगा। टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया है आपने और आपने इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे, और आपने जिस तरह का राजस्थान के अंदर माननीय मंत्री महोदय ने जिस तरह का पूरे राजस्थान का दौरा 100 दिन में कर और इस विभाग में एक आमूलचूल परिवर्तन कर सारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम करा है। सरकार, देश का प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री मोदी जी का प्रण है कि हम हर घर से नल को जल देंगे, उसके तहत आज जो परियोजना का उद्घाटन हुआ सूरजपुरा में, निश्चित ये ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। 549 गाँव के अंदर पीने का पानी पहुँचा।